अगर आपके टॉय हेलीकॉप्टर कभी आसमान में नहीं उड़े तो कोई बात नहीं, आप अकेले नहीं हैं। चलिए देखते हैं असली हेलीकॉप्टर कैसे उड़ने लगे। ऊपर उड़ने का ख्याल तो बहुत पुराना है, जब चीन में बच्चे बांस के उड़ने वाले खिलौनों से खेलते थे। समय तेजी से 15वीं सदी में चला गया, जहां लियोनार्डो द विंची ने एक उड़ने वाली मशीन का चित्र बनाया जिसे एरियल स्क्रू कहा जाता था। लेकिन थोड़ा बता दूं, वो कभी उड़ा ही नहीं। 20वीं सदी की शुरुआत तक कोई खास तरक्की नहीं हुई थी। इगोर सिकोरस्की, एक रूसी अमेरिकी एविएशन दिग्गज, को अक्सर पहला कामयाब हेलीकॉप्टर बनाने का श्रेय दिया जाता है। 1939 में उनका VS-300 आसमान में छा गया, जिसने हवाई यात्रा को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन रुकिए, कहानी अभी बाकी है। जब सिकोरस्की अपने डिजाइन को बेहतर बना रहे थे तो पॉल कॉर्नू और जुआन डेला सियरवा जैसे आविष्कारक भी प्रगति कर रहे थे। कॉर्नू का हेलीकॉप्टर 1907 में उड़ गया था, लेकिन डेला सियरवा के ऑन्टोगायरो ने ही आधुनिक रोटरक्राफ्ट का रास्ता खोल दिया। तो अगली बार जब आप कोई हेलीकॉप्टर देखें तो याद रखें, यह सदियों के सपनों, रेखाचित्रों और शानदार इंजीनियरिंग का नतीजा है। तो अब कौन एक राइड के लिए तैयार है?